हाय एवरीवन, मैं हूं ऋतु मिर्चल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूं फूड फेटिश के बारे में। एक लड़की की नॉर्मल अट्रैक्शन जो स्ट्रेट होते हैं या फिर जो हेटरोटाइप होते हैं ना, वो उनकी जो अट्रैक्शन होती है वो लड़की की तरफ होती है और लड़के की नॉर्मल जेनेटल एरिया में होती है। लाइक अगर ब्रेस्ट की बात करूँ या फिर जो भी है फीमेल जेनेटल एरिया है वहाँ पर होती है। बट जो फूड फेटिश टाइप की होती है ना, उनकी जो पहले बात करते हैं कि फेटिश क्या है। देखिए, अगर किसी लड़के को या फिर किसी भी बंदी जिसकी भी बात करूँ, अगर किसी को जेनिटल एरिया के अलावा किसी और बॉडी पार्ट से अराउजल फील होता है ना, तो उसको फेटिश कहा जाता है। और आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ फुट फेटिश के बारे में, यानी कि जिस लड़के को लड़कियों की फीट यानी कि पैरों को देख के अराउजल फील हो तो उसको फुट फेटिश कहा जाता है। ये ज़्यादातर लड़कों में देखा जाता है लड़कियों के मुकाबले। लड़के ही ऐसे फुट फेटिश के कैटेगरी में आते हैं। लड़कों में ही ये जो फंटासी होती है, फुट फेटिश फंटासी होती है, इसको देखा जाता है। ये किसी भी तरीके की होती है। कोई लड़का ऐसा होता है जिसको बहुत सुंदर पैर पसंद है, किसी को पेडिक्योर किया हुआ, किसी को बहुत सजा हुआ ज्वेलरी पहना हुआ, किसी को नेल पॉलिश वाली, किसी को गंदे, कोई भी कैटेगरी की होती है। अलग अलग लड़के की अलग अलग पसंद होती है, बट वो सारे के सारे फुट फेटिश के अंदर ही आते हैं जिनको लड़कियों के पैरों को देख के ही अट्रैक्शन फील हो। किसी को बहुत सुंदर सैंडल्स वाली, किसी को रेड सैंडल, किसी को ब्लैक सैंडल, कुछ भी हो, कुछ सैंडल वाली अगर पैर दिख गए कहीं भी, तो उसको बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है। फुट फेटिश वाले लड़के की जो डिज़ायर होती है वो कुछ ऐसे शो करता है कि अगर उसको उस लड़की की पैर मिल जाए ना, तो वो उसी पैरों से अपनी सारी जो डिज़ायर है ना, सब फुलफिल कर ले। यानी कि उसका डिस्चार्ज की बात करो या फिर उसके प्रैक्टिस की बात करो, उसके इमोशन, उसकी मतलब कि जो बिहेवियर जो भी है ना, जो भी वो करना चाहता है ना, वो उस पैरों के साथ ही करे और अपने सारे डिज़ायर को वो अपने पैरों के साथ, उस लड़की के पैरों के साथ ही पूरा करे। इस लेवल तक उसका अट्रैक्शन होता है एक लड़की के पैरों की तरफ। कुछ लड़कियाँ इसके बारे में जानती हैं और वो अपने पार्टनर को कहीं हद तक हेल्प भी करते हैं, क्योंकि उसका पार्टनर भी समझता है कि मेरे पार्टनर को क्या पसंद है और दोनों एक दूसरे के डिज़ायर को समझती है, उसे पूरा भी करते हैं। यहाँ पे बात नॉर्मली या फिर एबनॉर्मली की नहीं आती, यहाँ पे बात होती है कि एक लड़के को नॉर्मली एक लड़की के जेनिटल एरिया से अराउजल फील होना चाहिए था। इस केस में क्या होता है, उसको वो नहीं होता, उसको उसकी दूसरी बॉडी पार्ट लाइक उसके फीट को देख के ही उसको वो फीलिंग्स आती है। पर बात यहाँ आती है कि वो अपने पार्टनर को बताए कैसे। नॉर्मली इसको हम अगर सोचे, जिसको इसके बारे में पता नहीं होता, अगर उसको बताया जाए ना, तो वो तो उसे पागल समझेगा, साइको समझेगा डेफिनेटली। अगर मुझे पहले पता नहीं होता तो मैं भी यही समझती कि ये लड़का तो पागल है। तो डेफिनेटली वो अपने पार्टनर को अपने इस फैंटेसी के बारे में या फिर अपनी इस चाह के बारे में बताए कैसे, अपनी इस अट्रैक्शन के बारे में बताए कैसे। सबसे पहली जो होती है वो है कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग। बहुत इम्पॉर्टेंट है आप अपने पार्टनर के साथ कितना अच्छा कम्युनिकेट कर पाते हो, कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप अपने पार्टनर को समझते हो, उसके डिज़ायर को समझते हो, उसको फुलफिल करने के बारे में सोचते हो, तो वो भी आपकी जितनी आपके जहाँ डिज़ायर है, आपकी जो भी फंटासी है, जो भी आपकी इच्छा है, वो आपकी उसी इच्छा को फुलफिल करने के बारे में सोचेगी। बट मस्ट बी कि आपका पार्टनर जो है वो ओपन माइंडेड हो, ताकि वो आपको समझ सके। इससे क्या होता है, रिलेशन जो है वो बैलेंस्ड रहता है। बात यहाँ तक तो ठीक है, बट आप इसको एबनॉर्मल कब कह सकते हो। एबनॉर्मल इसको तब कहा जा सकता है जब ये जो फंटेसी है, ये जो डिज़ायर है, वो अपने पार्टनर के लिए नहीं, हर एक लड़की के लिए वो फील करे। यानी कि कहीं भी किसी भी लड़की के अगर उसने पैर देख ली हो ना, तो उसमें वो अट्रैक्शन आ गया, वो फीलिंग्स आ गई, और इसकी वजह से वो हर लड़की को पसंद करना शुरू कर देता है और हर लड़की की तरफ यही चाह रखना शुरू कर देता है। तब उसको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है और वो साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। एक्सेप्टेड के कोई भी चांस नहीं होते। हर एक लड़की तो आपके इस प्रॉब्लम को नहीं समझेगी, डेफिनेटली ये सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर ही आपको समझ सकता है। और इसीलिए यहाँ पे आपको अपने जो फीलिंग्स इस पर कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है, अपने लिमिट में रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इसी वजह से हम एक डिसऑर्डर के लिए इसमें पड़ जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि ये जब आप में इंक्रीज होना शुरू होता है, ये प्रॉब्लम जब आपके लिए, जब ये प्रॉब्लमेटिक हो जाती है ना, तो ये एक डिसऑर्डर की तरह काम करना शुरू हो जाता है, जो कि फिर साइको के लिस्ट में आ जाती है, जो कि साइकोलॉजिकली क्रिएट होता है। अगर आप
फुट फेटिश हो तो आप अपने पार्टनर को समझाओ विथ लव, वो डेफिनेटली आपको समझने की कोशिश करेंगे। बट अगर आपको दिख रहा है कि आप में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि आप हर एक दूसरी लड़की की तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हो, उसके पैरों को देख के आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हो, आपको ऐसा फील हो रहा है कि अगर मुझे ये पैर मिल जाता तो अच्छा होता, ये वो आप ना दिमागी ख्याल पुलाव पकाने शुरू कर देते हो, तो डेफिनेटली आप यहाँ समझ जाओ, एक एजुकेटेड पर्सन हो और आपको समझना चाहिए कि आपको यहाँ साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम हो रही है, ये आप पे हावी हो सकता है, ये आपके प्रोफेशनल लाइफ को ख़राब कर सकता है, आपके पर्सनल लाइफ को भी ख़राब कर सकता है। तो अगर आप एक फुट फेटिश हो तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर के सामने ही जाहिर करो, अगर नहीं है तो जब हो जाएगा तब। व्यूअर्स, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करो, प्लीज़ शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर दो मेरे चैनल को, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपने चैनल में लाती हूँ जो आपके लिए मे बी हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय।